अस्सलाम वालेकुम, एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। इस दुआ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बखेरते रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। आज बहुत ही खूबसूरत एक ट्राउज़र का डिज़ाइन आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही ईजी बनने वाला है और बहुत ही सिंपल है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना है ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। सबसे पहले जो भी हमारी ट्राउज़र की लेंथ है उससे हमने तकरीबन 4.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ट्राउज़र की लेंथ रखनी है जो हमारी जो टक्स में आएंगी। और सबसे पहले हमने 1 इंच का नीचे से मार्जिन रखना है और 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके, यानी 1.5 इंच जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है और 1/2 इंच हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है सबसे नीचे। उसके बाद हमने छोटे छोटे टक्स बनाने हैं। उसके लिए हमने जो भी हमारी सिलाई है उससे 1/2 इंच तक हमने तकरीबन एक्स्ट्रा लेकर फोल्ड कर देना है और तकरीबन 1 पाउ जो है मशीन का उसकी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा इस साइड पर रख कर हमने ये लाइन लगानी है, सिलाई लगानी है। इसी तरह हमने दूसरी भी सिलाइयाँ लगानी हैं जैसे हमने ये लगाई है। बिल्कुल स्ट्रेट अगर आपसे नहीं लगती तो आप इसके लिए मार्क भी कर सकते हैं पेंसिल से या चॉक से। दूसरा जो हमारा टक बनेगा वो भी उसी से मार्जिन 1 इंच छोड़कर, 1/2 इंच सॉरी छोड़कर लगाएंगे और इसी तरह हम नेक्स्ट भी लगाते जाएंगे। अब हम अगर ज़्यादा टक्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपना ट्राउज़र की लेंथ ज़्यादा छोड़नी पड़ेगी। जो यहाँ पर मैंने लेंथ ली है 4.5 इंच ज़्यादा छोड़े हैं तो उसमें ये हमारे 5 टक्स बने हैं इस मेजरमेंट में तकरीबन ये नीचे। उसके बाद ये जब हमारे टक्स बन जाएंगे तो हमने ये ट्राउज़र का मिड करना है और मिड में हमने निशान लगा लेना है और हमने फिर सिलाई लगानी है इसके ऊपर। ये मैंने बिल्कुल दरमियान में सिलाई लगा रही हूँ इन टक्स के ऊपर दूसरी साइड पर, और ताकि ये जो है मज़बूत हो जाएं, आपस में जॉइंट हो जाएं अच्छी तरह से। 2 सिलाइयाँ लगा रही हूँ, आप चाहें 1 लगा लें या 2-3, जितनी आप लगाना चाहें आसानी से लगा सकती हैं। इसके ऊपर निशान लगाकर भी लगा सकती हैं। फिर हमने जो मिड में हमने लगाई है सिलाई, इसी से हमने मेजरमेंट करनी है 1.5 इंच की, तकरीबन दरमियान में 1.5 इंच की स्पेस देनी है। उसके बाद हमने दूसरी सिलाई भी लगानी है इन टक्स के ऊपर अपोजिट साइड पर। ये हम लाइन भी लगा सकते हैं और अंदाजे से भी अगर आप स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं तो लगा सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत क्विक बन जाता है और बहुत खूबसूरत नज़र आता है ये। अगर आप डिफरेंट कलर के बीड्स और ये टक्स बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ये फैब्रिक एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह 1.5 इंच का स्पेस देकर ये ऊपर स्टिच कर दिए हमने इन टक्स को। फिर हमने ये मिड वाला जो है टक, इससे हमने तकरीबन इसके बाद हमने जो स्टिच लगाए हैं उसके तकरीबन 3.5 इंच का स्पेस है अगर दूसरे स्टिच लगाने हैं इन टक्स के ऊपर। ये हमने मिड से स्टार्ट किए हैं। उसके बाद फिर हमने 1.5 इंच का लगाना है, यानी क्लोज क्लोज हमने 2-2 टक्स बनाने हैं और उसके बाद हमने ज़्यादा स्पेस देना है। आप चाहें तो ये प्लाजो पर या अपनी किसी भी जो है ट्राउज़र पर, शलवार पर भी बना सकते हैं। मैंने ये ट्राउज़र पर बनाए हैं। उसके बाद भी 1.5 इंच का स्पेस देना है और इस तरह दोनों साइड्स पे हमने ये स्टिच लगा लेने हैं। अब मैंने यहाँ पर बीड्स अटैच करने हैं। बीड्स मैंने थ्रेड एंड नीडल से अटैच किए हैं। इनको अपोजिट साइड पर हमने इसी तरह उलटना है। ये आप देखेंगे वीडियो में, ये बहुत ही ईजीली बन जाते हैं इस तरह से। और फिर आयरन से आप इनको सेट कर लें। इस तरह से हमने सारी ये स्टिचेस लगाने हैं जो भी हमने ये स्क्वायर्स बनाए हैं। और इसके बाद इनके ऊपर मैंने ये
बीड्स अटैच कर दिए हैं। मैंने सेम कलर के किए हैं, आप चाहें तो अपनी शर्ट के कलर के या कंट्रास्ट कलर में भी इसके ऊपर ये अटैच कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत स्टाइल बना है, बहुत ही अच्छा बना है। अगर आपको पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, अपना अच्छा से ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बहुत ही क्विक बनने वाला स्टाइल है और बहुत इजी भी, और इसके साथ साथ खूबसूरत भी दिखता है। अगर आपको ये मेथड पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक के बटन को भी दबा दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आपको माय वीडियोस कैसी लगती हैं। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।